नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के 68 लाख युवाओं को मिलेगी सौगात। दिसंबर से मिलेगा टैबलेट या स्मार्टफोन। पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने के लिए पोर्टल होगा लॉन्च। टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद जैम पोर्टल से किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने शिक्षण संस्थानों को दी जिम्मेदारी। टैबलेट स्मार्टफोन खरीदने के लिए निकालेंगे टेंडर। टेंडर के नियमों को कैबिनेट से कराया जाएगा मंजूर। 80 से 90 फीसदी युवाओं को मिलेगा टैबलेट। यूपी के 68 लाख युवाओं को मिलेगी सौगात। दिसंबर से मिलेगा टैबलेट या स्मार्टफोन। पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने के लिए पोर्टल होगा लॉन्च। टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद जैम पोर्टल से किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने शिक्षण संस्थानों को दी जिम्मेदारी। टैबलेट स्मार्टफोन खरीद के लिए निकालेगा टेंडर। टेंडर के नियमों को कैबिनेट से कराया जाएगा मंजूर। 80 से 90 फीसदी युवाओं को मिलेगा टैबलेट। यूपी में 68 लाख युवाओं को मिलेगी सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिसंबर से मिलेगा टैबलेट या स्मार्टफोन। पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने के लिए पोर्टल होगा लॉन्च। टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद जैम पोर्टल से किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मैलानी दानपारा मीटर गेज रेलखंड पर बढ़ा जल स्तर। शारदा नदी के बड़े जल स्तर से स्टेशनों पर मिट्टी खिसकी। 22 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर तक ट्रेनें निरस्त। सभी ट्रेनों का आवागमन किया गया निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने दी जानकारी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलखंड का बढ़ा जलस्तर। शारदा नदी के बढ़े जलस्तर से स्टेशनों पर मिट्टी की कटान। 22 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ट्रेनें निरस्त। सभी ट्रेनों का आवागमन किया गया निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने दी जानकारी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलखंड पर बढ़ा जल स्तर। शारदा नदी के बड़े जल स्तर से स्टेशनों पर मिट्टी की कटान। 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ट्रेनें निरस्त। लखीमपुर में बाढ़ का कहर जारी, अब तक बाढ़ के पानी में डूबे कई लोग। जिले में बाढ़ से अब तक 3 की मौत, 8 लोग लापता। लापता लोगों की तलाश जारी, जिलाधिकारी ने की पुष्टि। लखीमपुर में बाढ़ का कहर जारी, अब तक बाढ़ के पानी में डूबे कई लोग। जिले में बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत, 8 लोग गायब। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। धीरज, लखीमपुर में इस वक्त बाढ़ के क्या हालात है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बता दें, बीते दिनों से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बलबसा बैराज से लाखों की स्थिति पानी छोड़ा गया था, जिसको लेकर शारदा व घाघरा पूरी तरीके से उफान पर चल रही है। करीब लखीमपुर जनपद के करीब 300 गांव के करीब जो है बाढ़ की चपेट में आए हैं। अगर आपको बता दें कि लखीमपुर के जिलाधिकारी के द्वारा हाई अलर्ट किया गया, लेकिन लखीमपुर की जो 5 तहसीलें हैं, सदर तहसील है, पलिया तहसील है, निगासन तहसील है, दौरारा तहसील है, पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित जो तहसीलें हैं पांचों, वहां पर पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है पूरी तरीके से चाहते, लेकिन लेकिन अगर वहीं पर कहा जाए तो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जो लोग बाढ़ उनको ना तो पैकेज मुहैया करा पा रहा है जिला प्रशासन, ना तो कोई क्षेत्रीय नेता या सांसद या विधायक वहां पर पहुंच पा रहा है। अब हमारी कुछ जो बाढ़ में फंसे लोग पलायन करके आए हुए हैं रोडों पर, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी की गई है जिनसे वो लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। धीरज, अभी तक कितने लोगों के लापता होने की खबर है और कितनी मौतें दर्ज की गई हैं? जी बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी में अगर हम बात करें तो जिला अधिकारी ने जो पुष्टि की है 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, करीब 1 दर्जन लोग जो है वो मिसिंग है। लेकिन अगर हम ग्रामीणों के हिसाब से बात करें तो कम से कम 30 से 40 लोग जो है लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता धीरज जुड़े थे।
तो बता रहे हैं संवाददाता ने बताया कि लखीमपुर में बाढ़ का कहर जारी है और कोई भी सहायता अभी लोगों को नहीं मिल रही है, बाढ़ से बुरे हाल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, लखनऊ से बड़ी खबर, भाजपा मंत्री पर साधा निशाना। महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता पेट्रोल की जरूरत नहीं है, अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी पेट्रोल की जरूरत, जनता उनको पैदल कर देगी, अखिलेश यादव ने कहा। 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है, अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा। तंज का सवाल लिखा, थार में तो डीजल पड़ता है ना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आया सामने जिसमें बीजेपी के मंत्री पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी पेट्रोल की जरूरत, जनता उनको पैदल कर देगी। 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव ने कहा। तो ट्वीट कर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी मंत्री के उस बयान के ऊपर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 95% जनता पेट्रोल डीजल यूज नहीं करती है, इसको लेकर तंज कसा है और उन्होंने लिखा क्योंकि 95% जनता पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, अब मंत्री जी को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी, 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में ये बातें लिखी और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, रायबरेली से बड़ी खबर, रायबरेली से प्रयागराज की तरफ जा रही थी ट्रेन, अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, अभी तक मृतक युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना भदोखर क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज रेलवे लाइन के पास मामला, ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, रायबरेली से प्रयागराज जा रही थी ट्रेन, अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, अभी तक मृतक युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना भदोखर क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज रेलवे लाइन के पास की घटना, ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, रायबरेली से बड़ी खबर। प्रदेश के दो मंत्री आज अयोध्या के दौरे पर, अयोध्या से बड़ी खबर, नंदगोपाल नंदी और कपिल देव अग्रवाल अयोध्या के दौरे पर, दोनों नेता 2:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। दोनों मानस भवन में आयोजित राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन होंगे शामिल, प्रदेश के दो मंत्री आज अयोध्या के दौरे पर, नंदगोपाल नंदी और कपिल देव अग्रवाल अयोध्या के दौरे पर, दोनों नेता 2:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। दोनों मानस भवन में आयोजित राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन में होंगे शामिल, प्रदेश के दो मंत्री आज अयोध्या के दौरे पर, अयोध्या से बड़ी खबर, नंदगोपाल नंदी और कपिल देव अग्रवाल अयोध्या के दौरे पर, दोनों नेता 2:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। दोनों मानस भवन में आयोजित राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन में होंगे शामिल। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां प्रदेश के दो मंत्री आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, नंदगोपाल नंदी और कपिल देव अग्रवाल दोनों ही आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। नाबालिग बच्चे को दी गई तालिबानी सजा, लखनऊ से बड़ी खबर, तालिबानी सजा का वीडियो आया सामने, दुबग्गा पुलिस चौकी के पास जॉगर्स पार्क का मामला, नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर पीटा, पेड़ से बांधकर नाबालिग बच्चे को पीटा, बेरहम लोगों का वीडियो हुआ वायरल, बच्चे पर चूरन वाले नोट से सामान खरीदने का आरोप, काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा चौकी के पास का मामला, नाबालिग बच्चे को दी गई तालिबानी सजा, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, तालिबानी सजा का वीडियो हुआ वायरल, दुबग्गा पुलिस चौकी के पास जॉगर्स पार्क का मामला, नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर पीटा, पेड़ से बांधकर नाबालिग बच्चे को पीटा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।